क्या आप भारत की पहली महिला डॉक्टर के बारे में जानते हैं जो जब विदेश से डॉक्टर बनकर भारत लौटी तो किसने उसे 22 की उम्र में ही मार दिया। DW.com वेबसाइट के मुताबिक आज के समय देश में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं MBBS कोर्स कर रही हैं, लेकिन फिर भी देश में महिला डॉक्टर्स की संख्या मात्र 15% ही है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब देश में एक भी महिला डॉक्टर नहीं थी, और आप तो जानते ही हैं कि हमारा देश आजादी से पहले कितना पुरुष प्रधान था, लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो समाज से लड़कर अपना हक छीन लेती थी। उसी में से एक थी देश की पहली महिला डॉक्टर। जब यह 9 वर्ष की थी तब इसकी शादी एक 25 वर्ष के विदुर गोपाल राव जी से कर दी गई थी, और महज 14 वर्ष की आयु में मां भी बन गई थी। लेकिन 10 दिनों के भीतर ही उसके नवजात बच्चे की मौत हो जाती है, और इसी वजह से इन्होंने डॉक्टर बनने का कठिन फैसला लिया था, जिसमें इसके पति ने भी इसका खूब साथ निभाया। और मात्र 21 वर्ष की उम्र में सन 1986 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से MD की डिग्री हासिल कर भारत लौटी। यहाँ इनका भव्य स्वागत हुआ और इन्हें कोल्हापुर रियासत के अस्पताल में महिला वार्ड में प्रभारी चिकित्सक के रूप में नियुक्ति दी। लेकिन ये सब शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, और महज 22 वर्ष की अवस्था में देश की पहली महिला डॉक्टर की TB बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है, जिसका नाम आनंदीबाई जोशी था। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लेट्स चेक आउट द चैनल।